शांति। जो नए संस्कार आवरण लिए हैं उसकी बजाय पुराने संस्कार, क्योंकि माया भी तो चांस लेती है ना, माया भी परीक्षा तो लेती है, बिना परीक्षा दिए तो पास नहीं होंगे। तो जब माया चांस ले लेती है ना, मान लो अब कोई क्रोध में आ जाता है, मान लो को क्रोध आना नहीं चाहिए, बाबा ने हमें सर्वशक्तिमान बनाया है, तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है, शांति की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, समाने की शक्ति है, तो क्रोध आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कोई कोई स्थितियों में क्रोध आ जाता है, तो मानो कोई क्रोध कर रहा है संगठन में, तो दूसरा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, गुस्सा कर रहा है कोई तो सामने वाला भी गुस्सा करने लगता है, जवाब भी फिर गुस्से में देते हैं। लेकिन जैसे अभी संडे की मुंडी चली ना शीतलता की शक्ति के ऊपर, तो बाबा ने क्या कहा कि कैसी भी अग्नि में चलने वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी, लेकिन आपका फर्ज क्या है, आपका फर्ज है उसको शीतलता का अनुभव कराना, शांति का अनुभव कराना। जैसे फायर ब्रिगेड का काम होता है आग को बुझाना, कहीं भी आग लगेगी तो तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, तो हम बाबा के बच्चों का जो कर्तव्य होता है ऐसी आत्माओं के प्रति, कि भले उनके अंदर वो क्रोध की अग्नि है प्रकट हो गई है अभी, लेकिन मुझे फिर भी ग्रहण कर करके उस आत्मा को शांति का सहयोग देना। कई बार मुंडियों में पापा कहते हैं मुख में मुलहरा डालो, मुख में मुलहरा डालो है ना, कुछ है मुंह में तो बोल ही नहीं सकेंगे। कुछ लोग कहते हैं मुख में पानी डाल दो, मुंह में पानी है तो बोल ही नहीं सकेंगे, है ना। उस समय के लिए तो बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल कुछ भी जवाब नहीं देना है, उसे शांति का सहयोग देना है। और बाद में वो अपने आप ही रियलाइज करते हैं जो भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अगर हम क्षमा कर देते हैं, अगर हम शांति का सहयोग देते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। आज के समय में बाबा संगठन में कहता है कि हमें किसी को करेक्शन नहीं देना है, अगर हम किसी को सिखाने जाएं ना तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो क्या होगा, क्या जवाब मिलेगा, आप सब जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, पहले आप तो कर लो बाद में हमें कहना है। माँ बाप भी बच्चों को आज कुछ कहते हैं, कोई शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, तो माँ बाप भी क्या कहते हैं, पहले बच्चे भी क्या कहते हैं माँ बाप को, यही जवाब देते हैं। तो जो हम किसी को कहने जा रहे हैं उससे ज्यादा समझदार वो हमसे होते हैं, तो इसीलिए शिक्षा देने का समय नहीं है, लेकिन क्षमा करने का और रहन करने का समय है, जिसको बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना की सेवा। मेरी सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है, सदा ही उस आत्मा के प्रति हमारी सकाश मिले, वो शक्ति मिले, या हम जो सकाश दे सकते हैं वो सकाश हम उस आत्मा